پارک جان کی تیونس تھا چھ ہون ان اتر مری تم چھ کینس توئی وچھ اس بونکھن کیا چھ چھ یتا وچھ بونکھن अगर ये गंदगी बाहर पड़ेगी तो अंदर अंदर आप बाहर क्यों डालते हैं अगर बना हुआ है। मुबारक है जी आपको मुबारक सबको, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। इसको जरूरत भी लगती है यार, रोड की हालात देखेंगे यहाँ से। हमने ट्रेनिंग दी है जी मैम, कितने देर की ट्रेनिंग है? एक घंटे के लिए, दो घंटे। फिर हम इनको भी सिखाते हैं ना, कराते हैं ना उनको भी। ये हमने इनको किट दिया है, मैं जो भी हमें पेशेंट्स वहाँ पे अपनी कम्युनिटी में डायबिटिक पेशेंट्स हैं 500 mg जो भी प्लस हमारा एनसी जो एंटीनेटल पेशेंट्स हैं, उनके लिए आयरन, उनके लिए कैल्शियम, उनको टीटी डेमोंस्ट्रेटर सब कुछ अपने कॉस्ट वहीं पे करते हैं। गोल्डन कार्ड में 93% हमने कवर किया। गोल्डन कार्ड में देख रहे, ये जल्द से जल्द सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिटी में हमारे जो वो लोग हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि हम उनको ऐसा वो जो मतलब सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ अकोमोडेशन हम उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे वहाँ पे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें वहाँ पे जो अकोमोडेशन नहीं है हम लोगों को, वो हमारी फुलफिल होनी चाहिए। Thank you.
सरकार जो कर रहे थे वही आने वाले हैं, वो ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। मैं अपनी डीडीसी चेयरपर्सन जो हाल ही में डेलीगेशन के साथ जो यूरोपियन डेलीगेशन हमारे हिंदुस्तान की तरफ से गई है, इसने जो जम्मू कश्मीर का खाका वहां पर पेश किया है उसको तमाम दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। और मैं अपनी तरफ से बहसीत जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट बारामूला इसको मुबारकबाद देता हूं और आइंदा भी ये ऐसा ही काम करते रहे। इस ब्लॉक को खुशकिस्मती है कि एक तो डीडीसी पर्सन इसी ब्लॉक से ताल्लुक रखती है और मैं बहसीत बीडीसी चेयरपर्सन इसी ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन लोगों को वो पुराने ख्याल छोड़ने चाहिए। आज गवर्नमेंट जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स है लोगों के घरों के दरवाजे तक दस्तक देते हैं। मुझे ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको यकीन दिलाती हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो ये मसले हैं इनको हल करें, और जब हम अगली दफ़ा आए तो आप जो है खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जितनी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको पूरा करें। आरएमबी से मैं गुजारिश करती हूँ नोट किया जाए जो यहाँ डिमांड्स आई। इसी तरह सीओ साहब से मैंने बात की, आपका स्मार्ट समथिंग क्या बोला आपने, स्मार्ट एंड देन कंप्यूटर्स हम इस वक्त प्लान में रखेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो करने की। प्रायोरिटी हमारा एजुकेशन होना चाहिए, कभी कभी टीचर मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं लेकिन थोड़ा अकाउंटेबिलिटी की कमी है एजुकेशन में। इससे मजीद आपके रोड्स पानी का मसला और एक्जन साहब खासतौर पर ये चीज़ हो जानी चाहिए। हाँ ये चीज़ करके मुझे फिर इसके बाद बता दीजिएगा क्या है। वीडियो साहब ने चंद काम हमारे सामने रखे हैं जो काम चल रहे हैं, जैसे टाइल पार्क का है कुछ है, कुछ चीज़ों का जैसे पंचायत घर को अब आप पूरी तरह से करेंगे इसको फॉलो करेंगे। बदकिस्मती ये होती है कि पैसा भी होता है सारा कुछ होता है लेकिन अभी हमारे लोगों में वो किरदार नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए कि हमने अभी अकाउंटेबिलिटी और हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना अभी सीखा नहीं है। हमारे सियासतदान को आदत होती थी कुछ ठेकेदार चंद पाल के रखे हुए और उनसे काम करवाने का, लेकिन आज सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है। हर चीज़ जो है वो टेंडर से होती है, आपको मालूम होना चाहिए टेंडर का है, जियो टैगिंग है, उसके बाद सारा कुछ जो है थ्रू टेंडरिंग है। तो काम होने के पैसा होने के बावजूद भी है टेंडर्स जो हैं नहीं डालते ही लोग, कई जगह ये डिफ़िकल्टी आती है। और कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो टेंडर डालते हैं और उसके बाद काम ले के बैठ जाते हैं उसकी तरह जैसे सो जाते हैं वो उस कुंभकर्ण की नींद, और हमें कितनी डिफ़िकल्टी आती है। और उसमें ख़ास तौर पर मैं ऑफिसर से कहूँगी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनफैक्ट इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए
ताकि ये आगे फ्यूचर में जाके जो है पब्लिक मनी पे ना बैठ जाएं। जिस तरीके लोगों की एक इनका तरीकाकार बन चुका है, देखिए ये एक बड़ी क्रॉनिक बीमारी है, ये एक क्रॉनिक बीमारी है। और जिस किस्म का कल्चर यहाँ पर काम करने का कल्चर था, इसको टाइम लगेगा, इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन होने में वक्त लगेगा। लेकिन मैं शुक्रिया करती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने PRIs का, तमाम लोगों का, कि उन्होंने इस सिस्टम को जल्दी अडॉप्ट किया, इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। और आज वक्त ये आ गया है कि एक ज़माना होता था कि आपका MLA, आपका ऑफिसर दफ्तर में बैठ के प्लान बनाता था। वक्त ये आ गया, जैसे मेरे भाई ने कहा, वो भी काले नाग ने। सो आप घबराइए मत, सांप अपने बिल में चले गए हैं क्योंकि शेर बाहर आ गए हैं। खैर एनीवेज, ये हंसने हंसाने के लिए मैंने आपको कहा। मुख्तसर बात ये है कि आप ऑफिसर्स की मैं जितनी तारीफ करूं, कभी कभी मैं थोड़ा गुस्सा भी करती हूं, लेकिन क्यों? क्योंकि ये हम जवाबदेह हैं लोगों के लिए। हमें एक मॉरल अथॉरिटी मिलती है आप लोगों को कभी गुस्सा भी करने की। वो मॉरल अथॉरिटी इसलिए मिलती है कि लोगों का हमें एक मैंडेट होता है, तो इसलिए आप उन चीज़ों को साइड लाइन करके जो है एक मिशन की तरह, मेरी आपसे ये गुजारिश है, एक मकसद और मिशन बनाइए और इसको आगे लेके चलिए कि हमने जो अपना है, अपना घर, अपनी सोसाइटी, अपना समाज, अपना गांव जो है, आज 22वीं सदी या लोग कहते हैं हम मार्स पे जाके रहेंगे, ट्रेन ही नहीं है, रोड ही नहीं है, जनाब कदल नहीं है, जनाब रोड नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ये न्याय की शर्म की बात है कि इतना बड़ा जो पर्पस ये है कि लोगों के बीच में जाके लोगों को सुनना, उनकी डिमांड्स, और उसके बाद जो है वो अच्छी तरह से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होना। तो मुझे यकीन है कि जिस तरीके से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सब चाहते हैं कि हकीकत में जो है ये लोगों के जेन्युइन सुनने के बाद, लोगों के जितने जेन्युइन डिमांड्स हैं वो सुनने के बाद जो ऑफिसर्स हैं एज़ वेल एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन कोऑर्डिनेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड पे। तो मुझे यकीन नहीं है कि ये सारे सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद नहीं रहना चाहिए, ट्विटर एंड फेसबुक। मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है हकीकत में जो है ये फ्रूटफुल रहेगा। मैम, ये जो ब्लॉक बैक टू विलेज प्रोग्राम, क्या इससे आम लोगों को फायदा हो सकता है? जाहिर सी बात है, पहले तो आपको MLA के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता था, MLA तो छोड़िए, उसके PRO के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता था। आज सारी एडमिनिस्ट्रेशन आपके गांव में है, इस टाइम तमाम HODs आपके गांव में है, तो कभी तो PRO के पीछे जाते थे लोग, आज तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन लेके हम गाँव में आए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा फर्क है। मैम, अगर हम बात करें रिसेंटली आपने यूरोपियन जो पार्लियामेंट है वहाँ पे आपने खिताब किया था, तो मैं वहाँ पे आपने किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया? जमहूरियत पे। तो क्या कमी है अभी कश्मीर में जमहूरियत की? मुझे तो कोई कमी नहीं नज़र आती, अगर आपको आती है तो बता दें। नहीं, अगर हम बात करें वो उस वक्त ये बताया गया था कि आपने ग्रास रूट डेमोक्रेसी पर ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसको हम 3-tier सिस्टम कहते हैं, तो मैम उस हवाले से आप क्या बता दें? जो रियल डेमोक्रेसी होती है वो ये होती है कि पहले एक लोगों को देखिए, लोगों को कंसेप्ट क्या है जमहूरियत का, लोगों को कंसेप्ट जमहूरियत का ये है कि मैंने वोट डाला और एक आदमी को MLA बना दिया या ABCD कुछ बना दिया, लेकिन फिर आम लोगों का से जो है ना वो गवर्नमेंट में नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग में आम लोगों का रोल नहीं होता है। आज आपको क्या लग रहा है ये सब जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि मेरे इस भाई का रोल है डिसीजन मेकिंग में? क्या आपको नहीं लगता है मेरे इस भाई का रोल है डिसीजन मेकिंग में? तो ये होती है रियल डेमोक्रेसी, जब लोगों का से जो है डिसीजन मेकिंग में हो, डेवलपमेंट के प्रोसेस में हो, इसी को कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, एंड दैट इज़ द रियल डेमोक्रेसी। मैम, यहाँ पे अगर हम बात करें बहुत सारे मसाइल जो है वो आपके सामने लोगों ने पेश किए, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, उनके जो मुतालबात हैं कब तक हल होंगे? देखिए, जितना 1-1.5 साल से काम हुआ है हकीकत में वो जो है मैं उसमें मुतमिन हूँ। हाँ, कुछ जगह टेंडर का रिस्पांस ठीक नहीं है, कुछ जगह कॉन्ट्रैक्टर सही नहीं है, वो एक इशू रहता है हमारे साथ, लेकिन लोगों को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। लोग पहले का भी कंपेयर करें, मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि आप पहले का वक्त भी है वो भी कंपेयर कीजिए और आज का दौर भी कंपेयर कीजिए।